हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी, पोहा रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं पोहा बनाना। सबसे पहले हम किसी बड़े बर्तन में पोहा लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो पोहा लिया है। पोहा आप मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मोटा पोहा लिया है। पोहे के ऊपर पानी को डाल के 3 से 4 बार तक अच्छी तरीके से पोहे को धो लेंगे। पोहे को फिर किसी बड़ी सी छन्नी में छान के इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब चलते हैं पोहे का मसाला बनाने, जिसके लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम किया है। अब हम उसमें मूंगफली को फ्राई करेंगे। मूंगफली को लो टू मीडियम फ्लेम पे चटकने तक भूनना है। यहाँ पर मैंने मूंगफली को 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। अब हम मूंगफली को निकाल लेंगे। वापिस इसी तेल में 1/2 चम्मच राई डालेंगे। राई चटकने लगी है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा भी चटकने लगा है। अब इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे। यहाँ पर मैंने करी पत्ता को तुरंत धो के डाल दिया है, जिसकी वजह से ये चटकने लगी है। आप ऐसी गलती ना करें, करी पत्ता को पहले से धो लें। फिर यहाँ पर मैंने डाला है बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। फिर उसमें मैंने डाला है 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को बीच से थोड़ा सा चीरा लगा दें। यहाँ पर ऐड करिए 1/2 छोटी चम्मच हींग। फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के आलू। आलू को भी हम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। नमक डालने से आलू नमकीन भी हो जाएगा और जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगा। आलूओं को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को भी 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे पोहा। पोहे को मसालों में अच्छी तरीके से मिला देंगे। फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चम्मच चीनी। चीनी ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चीनी को भी पूरे पोहे में मिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है 1 नींबू का रस। पोहे के ऊपर थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। फिर हम पोहे को हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे। यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को भी पूरे पोहे में अच्छे से मिला देंगे। फिर इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। दानों को भी पूरे पोहे में मिला देंगे। पोहा बनके तैयार है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। पोहे के ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज, बारीक सेव और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दें। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। Thank you for watching.